24 लाइव। बड़ी खबर, बगहा में एक बार फिर लोगों में बाघ का खौफ। खेतों में काम कर रहे किसानों पर बाघ ने किया हमला। बाघ के हमले में दो लोग घायल। किसानों ने वन विभाग के कर्मचारियों पर लगाया लापरवाही का आरोप। दरअसल पूरा मामला बगहा पुलिस जिले के नौरंगिया थाना क्षेत्र की है, जहां सिरिसिया जंगल में बाघ के हमले में एक व्यक्ति के साथ 10 वर्षीय बच्ची जख्मी बताई जा रही है। वही घटना के बाद परिजनों ने दोनों घायलों को इलाज के लिए बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां इलाज के बाद दोनों घायलों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। अस्पताल के डॉक्टर विनय कुमार ने बताया कि दोनों घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया है। फिलहाल दोनों की स्थिति सामान्य है और इलाज जारी है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों घायल व्यक्ति अपने खेतों से काम कर वापस लौट रहे थे, उसी क्रम में बाघ ने हमला कर घायल कर दिया। हल्ला सुनकर खेतों में काम कर रहे किसानों ने काफी शोर मचाया, जिसे सुन बाघ जंगल में छुप गया। फिर लोगों ने परिजनों को सूचना दी। वही बाघ के हमले में घायल व्यक्ति की पहचान नौरंगिया थाना क्षेत्र के सिरिसिया गांव निवासी कोलाई मुसहर की पुत्री सोनम कुमारी व स्वर्गीय फौजदार मुसहर का पुत्र सुभाष मुसहर के रूप में हुई है। वही इस घटना के बाद लोगों ने वन विभाग के कर्मचारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। साथ ही स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है।